पूरा हो गया है और जिला प्रशासन वहाँ जल्द से जल्द पूजा पाठ शुरू करेगा। 7 दिन के बाद सभी भक्त वहाँ जा पाएंगे कि सिर्फ कुछ लोग? 7 दिन के अंदर जिला प्रशासन को दिया है, अब जैसे जिला प्रशासन वहाँ पे अरेंजमेंट करेगा वहाँ तुरंत पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी के जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में बड़ा फैसला दे दिया है। ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा किए जाने की अनुमति मिल गई है। अदालत ने तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। कोर्ट ने जिला प्रशासन को बैरिकेडिंग में 7 दिन के अंदर व्यवस्था कराने का आदेश दिया है। ये तहखाना मस्जिद के नीचे है। तहखाने में पूजा संबंधी आवेदन पर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में दोनों पक्ष की तरफ से मंगलवार को बहस पूरी कर ली गई थी। अदालत ने इस मामले में बुधवार को अपना आदेश सुनाया। अदालत के फैसले के बाद अब यहां नियमित पूजा अर्चना की जाएगी। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से पूजा अर्चना करवाई जाएगी। हिंदू पक्ष ने इसे बड़ी जीत बताई और 30 साल बाद न्याय मिलने का दावा किया है। नवंबर 1993 तक यहां पूजा पाठ की जाती थी। पूरा हो गया है और जिला प्रशासन वहां जल्द से जल्द पूजा पाठ शुरू करेगा। 7 दिन के अंदर जिला प्रशासन को दिया है, अब जैसे जिला प्रशासन वहां पे अरेंजमेंट करेगा वहां तुरंत पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। देखिए, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो इसके लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं होती है, उनको पता हो। भगवान पूजा पाठ हो क्या विधि हो? देखिए, वहां पे वही मैं बता रहा हूँ, उसकी नीटी गिटीज में वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट डिसाइड करेगा। हमारा जो लीगल काम था वो लीगल काम हमने पूरा किया, अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट। जी, कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा, जो कोर्ट का आदेश है मैं आपको वही बता रहा हूँ। सभी को जाने की अनुमति होगी? जी, सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने की अनुमति। व्यास तहखाने में पूजा पाठ करने के अधिकार देने की मांग वाली शैलेंद्र कुमार पाठक की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के बाद जिला जज ने आदेश सुरक्षित कर लिया था, जिस पर आज फैसला लिया गया। इस केस में हिंदू पक्ष का दावा है कि नवंबर 1993 से पहले व्यास तहखाने में पूजा पाठ को तत्कालीन प्रदेश सरकार ने रुकवा दिया था, जिसको शुरू करने का पुनः अधिकार दिया जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की थी। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि तहखाना मस्जिद का हिस्सा है और वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, लिहाजा वहां पूजा पाठ की अनुमति ना दी जाए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश के लिए बुधवार की तिथि चुनी। बता दें, सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक तहखाने में पूजा पाठ करता था। 1993 के बाद तत्कालीन राज्य सरकार के आदेश पर तहखाने में पूजा बंद कराई गई थी। 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने कब्जे में लिया था। ASI सर्वे कार्रवाई के दौरान तहखाने की साफ सफाई हुई थी। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के अधीन तहखाने में अब पूजा की जाएगी।